हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमल। तो सभी लोग आ गए हैं और सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तो इसका आकलन जो है वो आज हो जाएगा। आज यूनिट 10 का टेस्ट है। आज कुल 50 प्रश्न जो हैं वो आपके यहाँ टेस्ट में लिए जाएंगे। थोड़ा सा हम जल्दी ही करेंगे ताकि 50 क्वेश्चन जो है वो आप पूरे कर सकें। 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप दे पाते हैं बाद में आपको बताना है, क्योंकि मैं सभी के कमेंट देखूंगी। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो मुझे भी इस चीज का पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उन सबको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे कि वो भी टेस्ट जो है वो दे सके। चलिए, क्वेश्चन 1 है, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो इन चारों में से कौन सा आपका सही उत्तर होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, यदि आपने सही आंसर दिया है तो अपने आप को 1 मार्क से देते जाइए और बिल्कुल लिखते जाइए कि कितने आंसर आपके सही जाते हैं। क्वेश्चन 2, विक्रम संवत अनुसार त्योहारों के आने का क्रम होगा, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। तो यहाँ देखिए, चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से ही देखिए कि सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है, उसके बाद कौन सा आता है और उसके बाद कौन सा आता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। थोड़ा सा टाइम आपको दे देती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। चलिए, यदि आपने याद किया है तो आपने आंसर देख लिया होगा। आप देख लीजिए इसका सही आंसर, गणगौर चैत्र में आता है सबसे पहले, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी और बाद में कार्तिक को दीपावली। ठीक है, ये क्या है, इनका सही क्रम है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? बैसाख में, भाद्रपद में, चैत्र में या श्रावण में? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जिनको आता है वो तो टाइम ही नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सही आंसर दे देते हैं। चलिए, और जिनके नहीं सही हैं वो भी देख लीजिए, श्रावण में। ठीक है, जयपुर में तीज की सवारी श्रावण माह में निकाली जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है वह किस वर्ष पर की जाती है? किस पर्व पर? गणगौर के पर्व पर, तीज, दशहरा या होली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा फटाफट से आप आंसर देने की कोशिश करें क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, सभी का ही सही है, दशहरा। चलिए, वेरी गुड। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना से, बैराट से, आमेर से या अलवर से? आंसर क्या है इसका? बिल्कुल आंसर जो है बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राजस्थान की बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज कब मनाई जाती है? छोटी तीज देखी हमने अभी, बड़ी तीज कब मनाते हैं? श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया या आषाढ़ कृष्ण तृतीया? त्योहारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। तो बिल्कुल सही आंसर, भाद्रपद शुक्ल तृतीय। जिन बच्चों को लगता है कि स्पीड जो है वो बहुत धीरे है, तो देखिए कुछ बच्चे जो हैं जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ऑप्शन को देखने में। ठीक है, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? महावीर जयंती कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीय को, चैत्र शुक्ल तृतीय को, भाद्रपद शुक्ल तृतीय को या आषाढ़ कृष्ण तृतीय को? महावीर जयंती जो है वो कब मनाई जाती है?
श्रावण में, चैत्र में, भादों में या आषाढ़ में कब मनाई जाती है? आंसर है इसका चैत्र की शुक्ल तृतीय को मनाई जाती है। नेक्स्ट फटाफट से देखिए, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंध नहीं है? विवाह समारोह से बड़ार, कन्यादान, पानीवाड़ा या बरी कन्यावन। आज मैंने कुछ नए प्रश्न जो हैं वो भी लेकर आई हूं। तो देखिए यहां पर देखिए, पानीवाड़ा, पानीवाड़ा जो है वह विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। इसके अलावा वडार, कन्यादान, बरी कन्यावन, ये सभी शादी जो होती है विवाह समारोह उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, कठपुतली किससे निर्मित होती है, किससे बनी होती है कठपुतली? काष्ठ से, धातु से, कागज से या मिट्टी से? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और सभी इसका आंसर सही देंगे। कठपुतली किससे बनी होती है, धातु से, कागज से, मिट्टी से या काष्ठ से? तो सबका सही है ये, तो काष्ठ से। नेक्स्ट देखिए, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, विजयदान देथा या कन्हैयालाल सेठिया? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो आंसर क्या है इसका? बिल्कुल आंसर जो है श्यामल दास। चलिए तो आज सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छी ही है। गढ़बीठली दुर्ग है कहाँ पर है ये? बूंदी में, अजमेर में, आमेर में या जोधपुर में? गढ़बीठली दुर्ग है, ये दुर्ग कहाँ पर है? तो सही आंसर है अजमेर में। नेक्स्ट देखिए, 12th क्वेश्चन, चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में, कमर में, कान में या गर्दन में? कहाँ पहनेंगे चुंपा नामक आभूषण? आभूषण का वीडियो जो है वो मैंने बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। चुंपा नामक आभूषण जो है वह कहाँ पहनते हैं? तो इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा, आंसर क्या है इसका? दांत में। नेक्स्ट देखिए, 13th क्वेश्चन, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है मैंने कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में, बाड़मेर में, भरतपुर में या जैसलमेर में? तो आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर जो है वो है बाड़मेर। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? जयपुर में हवा महल है, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया, तो इसमें खिड़कियां कितनी है? 953, 935, 861 या 856? तो सही आंसर है जयपुर के हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। तो जिन बच्चों का सही है वो अपने आप को 1 मार्क्स देंगे और उनके लिए तो वेरी गुड है। और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके जो राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर चैप्टर्स जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए यदि आप इनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्सो गोत्र ब्राह्मण कहा गया? किस शिलालेख में चौहानों को वत्सो गोत्र कहा गया? चीरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? चैनल पर मैं
पढ़ा रही हूँ राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। यदि आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से, तो इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आंसर जो है वो इसका होगा बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट है, तिमड़िया पहना जाता है। तिमड़िया कहाँ पहनते हैं? पुरुषों द्वारा बाजू में, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुषों द्वारा हाथ पर। तिमड़िया जो है वो कहाँ पहना जाता है? तो देखिए, तिमड़िया जो है वो महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है। अब आपके ए और डी जो है वो तो रॉन्ग हो जाते हैं। अब आप फटाफट से बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो कि सही है बिल्कुल, और बच्चे जो है वो फटाफट से आंसर दे भी देते हैं क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी की आपने, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है तिमड़िया। करवा चौथ कब मनाया जाता है? करवा चौथ कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण द्वितीय को, या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को? करवा चौथ कब मनाया जाता है? तो देखिए, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे यदि नहीं पता है। जो लड़कियां हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन जो लड़के हैं उनको थोड़ा सा देखना है। चौथ, करवा चौथ, चौथ यानी चतुर्थी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट है, राजस्थान में अशोक की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बडली से, बिजोलिया शिलालेख, बैराट से, या बुचकुला से? तो कहाँ प्राप्त हुआ था अशोक के शिलालेख, अशोक का अभिलेख? राजस्थान में अशोक का अभिलेख जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन जो है वो हम कई बार कर चुके हैं और ये तो आपको याद है और सभी को याद है। तो राजस्थान में एकमात्र जगह है बैराट, ठीक है, विराट नगर। नेक्स्ट है, अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, और जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अब ध्यान क्या देना है कि महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाली कौन सी प्रशस्ति है? अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए याद कर लीजिए ढंग से, और जिन्होंने किया है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए हैं यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, आंसर देखिए। अब याद कर लीजिए कि महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है, कौन सा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, गांव अकोला, गांव मौलेला, प्रतापगढ़, या हरजी गांव? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, गांव अकोला, गांव मौलेला, प्रतापगढ़, या हरजी गांव? आंसर जो है वो होगा गांव अकोला। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है संगीत राज, ठीक है, आपने पढ़ा है संगीत राज, संगीत मीमांसा। उसमें संगीत राज में कितने कोश हैं? 6, 8, 5 या 4? तो आंसर जो है वो इसका क्या है? 5। वंश भास्कर के लेखक हैं, तो फटाफट से आंसर देना है इसका, सभी को याद है वंश भास्कर के लेखक जयानक, मंडन, चंदवरदाई, या सूर्यमल मिश्रण? ठीक है, 2 या 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम किसी को नहीं लगना चाहिए। वंश भास्कर के लेखक जयानक, मंडन, चंदवरदाई, या सूर्यमल मिश्रण? तो आंसर क्या है? बिल्कुल आंसर जो है
सूर्य मल मिश्रण, ठीक है। चलिए कमेंट्स के ऊपर मैं ध्यान जो है वो नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग सही रखिए और मैं बाद में सभी के कमेंट पढ़ूंगी। दामणा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामणा, अंगुली में, हाथ में, कान में या नाक में? दामणा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, कान में या नाक में? आज की जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 50 क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लेना बहुत अच्छे से। दामणा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली, हाथ, नाक, कान? आंसर क्या है? अंगुली में, ठीक है। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किसको जाता है? राम सिंह को, मान सिंह को, जय सिंह को या राज सिंह को? जयपुर में मीनाकारी लाने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो आंसर जो है वो क्या है? सही आंसर है मानसिंह को। पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? बीकानेर में, किशनगढ़ में, बूंदी में या नाथद्वारा में? देखिए जो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज दी गई है, यदि आप उनको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सभी के आंसर आप सही दे पाएंगे, क्योंकि उनको ही मैंने थोड़ा सा घुमाकर आपको पूछ लिया है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं हमने तो 3 या 4 बार क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो पढ़ ली आरबीएसई की, और हमने चैनल पर बहुत अच्छे से देखी है, और फिर भी नहीं क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैंने एक भी लाइन जो है वो छोड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज करवाई है। पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? अब देखिए इसका आंसर क्या है? बूंदी। नेक्स्ट देखिए 26, मुहूर्त नैन्सी का संबंध है, किससे संबंध है मुहूर्त नैन्सी का? दयाल दासरी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात, मारवाड़ रा परगनारी विगत और पृथ्वीराज रासो? मुहूर्त नैन्सी के आपको 2 बताए थे ग्रंथ, कौन कौन से हैं, जिसमें से एक का नाम जो है वो यहाँ पर है। तो देखिए नाम देखते ही पता लग जाता है, यहाँ पर मैं बिल्कुल बता देती हूँ इसका आंसर फटाफट से, मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो लगभग सभी बच्चों का ही सही है ये तो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, राज प्रशस्ति किस जिले में स्थित है? राज प्रशस्ति, तो नाम से ही दिख जाना चाहिए, राज प्रशस्ति मतलब महाराणा कुंभा। जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और राजसमंद? राज प्रशस्ति किस जिले में स्थित है? तो आंसर जो है वो क्या है? बिल्कुल आंसर जो है राजसमंद। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को, मारवाड़ शैली को, आमेर शैली को या अलवर शैली को? राजस्थान चित्रकला की मूल शैली यानी प्रारंभ किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को, मारवाड़ शैली को, आमेर शैली को या अलवर शैली को? अब यहाँ कंफ्यूज, देखिए इसका सही आंसर आंसर हो क्या है इसका? मेवाड़ शैली, ठीक है। मेवाड़ शैली से ही माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ, ठीक है, यहाँ से माना जाता है मूल शैली। नेक्स्ट देखिए, धरती धोरारी इसका संबंध किससे है? मलिक मोहम्मद जायसी से, माणिक्य लाल वर्मा से, केसरी सिंह से या कन्हैया लाल सेठिया से? धरती धोरारी, धरती धौरारी का संबंध किससे है? मलिक मोहम्मद जायसी, माणिक्य लाल वर्मा, केसरी सिंह या कन्हैया लाल सेठिया? अब मलिक मोहम्मद जायसी तो नहीं है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। अब आप बताइए इन तीनों में से।
आंसर जो है वो क्या होगा इसका, कन्हैया लाल सेठिया। नेक्स्ट देखिए, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजय दान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा या शिवचंद भरतिया? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मैंने नया डाला है, तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है विजय दान देथा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल या राठी? तो ये प्रश्न जो है वो उपबोलियों में से है। अभी हम राजस्थान के जो कर रहे हैं हिस्ट्री, तो उसमें हम पढ़ेंगे ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल और राठी। तो देखिए इसमें से जो सही आंसर है वो है राठी, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है राठी। तो कौन कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल। नेक्स्ट है, केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित चेतावनी राग चुंबटिया, इसने दिल्ली दरबार में जाने से किस महाराणा को रोका था? इसको तो आप देखते ही बता देंगे, प्रताप को, फतेह सिंह को, भोपाल सिंह को या अमर सिंह को? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित क्या है? चेतावनी राग चुंबटिया, और ये उन्होंने क्यों लिखा था, किस महाराणा को रोका था दिल्ली दरबार में जाने से? तो सभी का ही सही है ये, तो क्या आंसर है? फतेह सिंह को। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य का उद्भव राजस्थान से संबंधित है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए इसका सही उत्तर। कितना अच्छे से मैंने आपको बताया था जब मैंने ये चैप्टर आया था लोक नृत्य के बारे में, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आंसर है इसका कथक। विजय सिंह का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ, मूल शंकर, भूप सिंह या रामदास? तो यहाँ पर किसी न किसी के मूल नाम है, तो इन सभी के आपको पता होने चाहिए। विजय सिंह का मूल नाम क्या था, अभी आपको ये बताना है। आंसर क्या है इसका? आंसर जो है वो भूप सिंह है। ठीक है, सबका ही सही है, और इन तीनों के किसके नाम है ये, तो वो भी आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है, गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? गौरी देवी मांड से, ठुमकी से, तालबंदी से या लंगा से? गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? आंसर होगा मांड से। नेक्स्ट देखिए, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, जो कि हाल ही में हमने कल के या परसों के वीडियो में ही पढ़ा था। तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टॉड, कहाँ के? जयपुर या जोधपुर स्टेट के, कोटा या बूंदी स्टेट के, बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट के या पश्चिमी राजपूत स्टेट के? तो 1857 की क्रांति के समय हमने डिस्कस किया था ये। आंसर जो है वो क्या होगा इसका? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे, कहाँ के थे ये? तो आंसर जो है वो इसका सही होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी राजपूत स्टेट के। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? जानकी लाल ने, देवी लाल परमार ने, पुरुषोत्तम जी ने या महाराणा कुंभा ने? किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया?
सही आंसर जो है वो होगा जानकी लाल। नेक्स्ट है हटुंडी जो अजमेर में है, यहाँ गांधी आश्रम की स्थापना की किसने की थी? गांधी आश्रम की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने, जमुना लाल बजाज ने, हरिभाव उपाध्याय ने या अर्जुन लाल सेठी ने? ये क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों में से है। तो बिल्कुल आंसर जो है क्या है, सही आंसर है हरिभाव उपाध्याय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 39, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? फटाफट से बताना है, बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के या अजमेर के? बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के या अजमेर के? शहीद सागरमल गोपा। तो देख लीजिए आंसर जैसलमेर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, सन 1947 ईस्वी में बीरवाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी? कब्ज कांड में, डाबरा कांड में, रास्तापाल कांड में या पुनवाड़ा कांड में? तो ये आरबीएससी की बुक में से ही है क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो देखिए 6 से 10th तक यहां से ही प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए हैं, एग्जाम में भी यही होने वाला है। अभी हम राजस्थान का इतिहास और कल्चर की ये बुक जब पढ़ लेंगे तब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है। आंसर जो है वो है रास्तापाल कांड में। नेक्स्ट है बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? अब याद होना चाहिए बागड़, बागड़ किसको बोलते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर को। यहाँ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बांसवाड़ा के, जयपुर के, डूंगरपुर के या उदयपुर के? तो आप देखिए यहाँ पर जयपुर और उदयपुर ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या बताना है आपको, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे, बांसवाड़ा के थे या डूंगरपुर के थे? तो सही आंसर जो है वो क्या है, आंसर है डूंगरपुर। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? ज्वाला प्रसाद शर्मा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट? किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्वेश्चन प्रजामंडल से है, जो कि वीडियो मैंने डाला था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा, छोटा सा वीडियो है। आंसर जो है वो क्या है इसका सही, देख लीजिए, इसका आंसर है ज्वाला प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट है 43, सुपास नाह चरित्रम क्या है? सुपास नाह चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार या काव्य पाठ? सुपास नाह चरित्रम, आंसर जो है वो ये है इसका, चित्रित ग्रंथ। राजस्थान की पढ़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? राजस्थान की पढ़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? जयपुर से, कोटा से, मेवाड़ से या बीकानेर से? आंसर इसका क्या रहने वाला है सही, आंसर है इसका मेवाड़। नेक्स्ट है 45, मूमल चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मूमल चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या जैसलमेर शैली से? तो सही आंसर जो है वो है इसका जैसलमेर शैली। निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? रवाज, सितारा, चौतारा या जंतर?
कहीं पर सतारा भी होता है, रवाज, सितारा, चौतारा या जंतर। अब ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तत्व वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं, रवाज, सितारा, चौतारा या जंतर। तो आंसर जो है वो इसका देखिए आंसर है सितारा। नेक्स्ट जो है 47, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? पाली का, उदयपुर का, बारा का या भरतपुर का? नौटंकी जो है वो लोक नाट्य किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? आंसर है इसका भरतपुर का। नेक्स्ट है, पद बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पद बाजते समय रावण हत्था का, मादल का, ढोल का या सारंगी का? तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है कि किसकी किसके समय में ये वाली फण जो है वो वाची जाती है और वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। यहाँ पर केवल पूछा है कि फण वाचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रावण हत्ता, मादल, ढोल या सारंगी। अब देखिए ढोल और मादल का तो करेंगे नहीं, फण वाचते समय किसका करेंगे? आंसर क्या है? रावण हत्ता। नेक्स्ट है 49, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जुलाई बाई को या मांगी बाई को? किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? आंसर जो है वो ये है इसका कि अल्लाह जुलाई बाई, इन्हें मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आज का बिल्कुल अंतिम प्रश्न, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? पता होना चाहिए आपको राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है। जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? तो कहाँ स्थित है राजस्थान संगीत संस्थान, कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। आंसर जो है वो क्या है इसका? आंसर है जयपुर। ठीक है, तो इन 50 में से जिस बच्चे ने 45 नंबर लिए हैं या उससे ज्यादा लिए हैं तो उसकी तैयारी तो इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। जहां से भी पढ़ रहे हैं आप, बुक से पढ़ रहे हैं बुक से पढ़िए, चैनल से पढ़ रहे हैं चैनल से पढ़िए, ठीक है, लेकिन आपको ये करना है। चलिए इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।